बाबा महाकाल के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर भस्म आरती का आनंद लिया। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर राजाधिराज महाकाल को दूल्हा बनाया गया और भस्म आरती की गई। आपको बता दें कि वर्ष में केवल एक ही दिन दोपहर के समय भस्म आरती की जाती है और वह दिन महाशिवरात्रि का दिन होता है। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब बाबा के दर्शन करने को आतुर दिखाई दिया। लंबी कतार में घंटों खड़े रहकर भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। पूरे वर्ष में केवल महाशिवरात्रि के दिन ही बाबा महाकाल की दोपहर में भस्म आरती की जाती है, जिसे देखने के लिए देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल मंदिर पहुँचते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एमपी न्यूज एक्सप्रेस के लिए उज्जैन से शकील खान की रिपोर्ट। बाबा महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि महोत्सव के आज एक तरह से देखा जाए तो शिव नवरात्रि महोत्सव का आज समापन है। भगवान महाकाल जो रात भर भगवान शिव की कल जो पूजन अर्चन चली है उसके पश्चात साल में एक बार ऐसा दिन आता है जब बाबा महाकाल की माध्यान्ह काल भस्म आरती होती है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से भक्त लोग आते हैं। यह अद्वितीय दृश्य होता है जिसको देखते हुए नहीं बनता है। और परमपिता परमात्मा की जो पूजन अर्चन का जो कार्य है आज विधि विधान के साथ संपन्न हुआ है और शिव नवरात्रि महापूर्ण संपन्न हुआ है। जय महाकाल। दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं महाकाल मंदिर पर, उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिर श्री महाकालेश्वर पर, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर काफी श्रद्धालु यहां दर्शन करने आए हैं। पर यहां बाबा की भस्म आरती दिन में की जाती है। आइए जानते हैं यहां कुछ श्रद्धालुओं से कैसा लगा और आज के दिन में जो दिन में भस्म आरती हुई है उसमें शामिल होकर उन्हें कैसा लगा। मैम बताइए, आज जो दिन में भस्म आरती हुई है उसमें शामिल होकर आपको कैसी लगी? मैं उसमें शामिल हुई थी और बाबा के बहुत अच्छे दर्शन पाए, हमने पूरी आरती करी और बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे। इसके अलावा कैसी व्यवस्था रही मंदिर प्रशासन की, आप कुछ कहना चाहिए? मंदिर प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी रही, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई, सबने बहुत अच्छे से दर्शन किए। जैसा कि आपने देखा श्रद्धालुओं ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। इसी के साथ कैमरा पर्सन शकील खान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, एमपी न्यूज एक्सप्रेस उज्जैन।